यह आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट। इसने इसमें इकोनॉमिक रिव्यू किया है और सीधा लिख दिया है इज द बबल इन स्टॉक मार्केट रैशनल, मतलब स्टॉक मार्केट में बबल है ये तो ये मान ही रहे हैं, साथ में क्या ये रैशनल है, क्या ये सही है। उसके लास्ट में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने क्वेश्चन मार्क। अरे भैया जब रिव्यू कर रहे हो तो सही सही चीज तो बोलो कि क्वेश्चन मार्क कहाँ डाल रहे हो। यह है संजू मूवी का डायलॉग और उसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया था न्यूज़पेपर वालों ने फिनिश और लास्ट में लगा दिया था क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क डाल के कोई भी रिपोर्ट बना दीजिए आप लोग और आप आसानी से बच के निकल जाएंगे क्योंकि आपने लास्ट में डाल दिया है क्वेश्चन मार्क। अब पढ़ते हैं इनकी रिपोर्ट, तो ये देखिए इनकी रिपोर्ट बनी है क्या गधे वाली रिपोर्ट बनाई है इन्होंने। यहाँ पे ये कंपैरिजन किससे कर रहे हैं मालूम है, अभी की जो स्टॉक मार्केट जहाँ पे खड़ी है उसको कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं मालूम है, जब कोरोना काल आया था और भयानक वाला डिप मारा था स्टॉक मार्केट ने, उसके बाद में जो रिकवरी आई है तो ये नीचे वाला पॉइंट पकड़ रहे हैं और वहां से बोल रहे हैं 100% ये राइज कर चुका है। अब देख लेते हैं एक बार चार्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और यह है निफ्टी का डेली चार्ट, मैं डेली चार्ट पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 11-12 हज़ार का लेवल चल रहा था निफ्टी का और उसके बाद में आया एक कोरोना काल और उसके कारण हो गई डिप, और डिप का कारण था क्योंकि इतनी ज्यादा हाहाकार मच गई थी और लोग पागल हो चुके थे, लोगों को पता ही नहीं था करना क्या है तो वहां क्या टिकेगा। सारी जगह हर दिन हर न्यूज़पेपर में हर टीवी चैनल में सिर्फ एक ही तो न्यूज आती थी कि कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया, कहीं बाहर नहीं निकलना है तो लोग कहां जाएंगे, और पूरी तरह से स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गया। ये सिर्फ यहां की बात नहीं है, इंडिया में ये नहीं हुआ खेल, ये सारे देश में सब देशों में यही काम हुआ है, यही कांड हुआ है, इकोनॉमी पूरी स्लो डाउन में आ गई। अब जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना ये गलत है, ये यहां से जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपको अगर इस लेवल को कंपेयर करना है तो आपको इस लेवल को देखना होगा, तो यहां से ये कितना राइज किया है, कुछ भी ज्यादा राइज नहीं किया है। यहां पे एक डर का माहौल था, हालांकि डर का माहौल यहां पे भी है, यहां पे भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, यहां पे भी लॉकडाउन लग रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है वैक्सीन आ चुकी है और ये भी मालूम है कि लोग अपने आप रिकवर कर सकते हैं, बिना वैक्सीन के भी रिकवर कर सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो आसानी से रिकवर कर सकते हैं। ये सारी चीज मार्केट को मालूम है, इसीलिए मार्केट ऊपर की जर्नी कर रहा है। लेकिन क्या ये कंपैरिजन सही है, आप लोग सोच के बताइए क्या ये कंपैरिजन सही है। 350 पेज की इकोनॉमिक रिव्यू लिखी और उसमें लिख दिया कि स्टॉक मार्केट एक बबल की तरह काम कर रहा है, और ये रिपोर्ट जैसे ही आई ना फिर क्या हुआ, सारा कांड शुरू हो गया, सारे न्यूज़पेपर ने यही सब चीज छापना शुरू कर दिया और सबकी हेडलाइन एक ही है कि क्या मार्केट बबल हो चुका है। और न्यूज़पेपर वालों की भी कोई गलती नहीं है, जो आरबीआई बोलते हैं, जो पॉलिटिशियन बोलते हैं, वो इन्हें बोलना ही है, इन्हें तो अपना व्यू प्रेजेंट करना है, उन्हीं का व्यू प्रेजेंट करते हैं ये। अभी अपना मार्केट जहां एक हाई पे जाके खड़ा हो गया है तो रेजिस्टेंस लेवल के पास में ये न्यूज आती है, जहां पे लोगों को एंट्री करना चाहिए वहां आरबीआई ने उन्हें निकलवा दिया। वो रिपोर्ट देखने के बाद में बहुत सारे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर डर गए, उन्होंने अपना माल हल्का कर दिया और अच्छे अच्छे प्लेयरों ने उठा लिया, जो समझदार हैं, जो चार्ट की समझ जानते हैं, जो इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। और इनका आरबीआई का रिपोर्ट का एक और कंपैरिजन दिखा देता हूं, ये प्राइसेस टू अर्निंग का चार्ट है और ये प्राइसेस टू अर्निंग आरबीआई ये दिखा रही है कि बहुत ऊपर आ चुका है, मतलब इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुकी है। आप ये समझिए प्राइसेस टू अर्निंग मतलब क्या होता है, प्राइस ऊपर हो गया नीचे में अर्निंग हो गई, अर्निंग भाई बढ़ेगी कैसे जब आपने पहले लॉकडाउन लगाया था, वही तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना रिजल्ट के अंदर में, तो लॉकडाउन के कारण आपकी अर्निंग तो थी नहीं, आपने प्लांटों को बंद करवा दिया, आपने जो शोरूम्स होते हैं वो बंद करवा दिए, तो अर्निंग तो ऑटोमेटिकली डाउन होनी है। जब अगले क्वार्टर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में जैसे जैसे अर्निंग अपने आप बढ़ेगी तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा। ये सारे फैक्ट्स को दबाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है। अभी जिन लोगों ने भी इस रिपोर्ट को पढ़ लिया है उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो आपने डाल दिया है, आपने उनके दिमाग में भर दिया है कि भाई स्टॉक मार्केट बबल है। जब 2008 में मार्केट बढ़ रहा था बेतहाशा, उस समय कोई नहीं आया था, किसी ने भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं बनाई थी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, मेन मुद्दा यही है कि स्टॉक मार्केट में अभी आपने हाई को लगाया है और स्विंग हाई को ब्रेक किया है और अभी बहुत ज्यादा संभावना है कि अपनी ऊपर की कंटिन्यू जर्नी करेगा। और स्टॉक मार्केट कोई एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही ऊपर चलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा सा ब्रेक लेगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर अपनी सेकंड जर्नी स्टार्ट करेगा, वो ऊपर की भी हो सकती है और नीचे की भी हो सकती है। ये स्टॉक मार्केट का नियम है कि एक ही साथ में एक ही स्पीड में कोई चीज नहीं चलती है, वो कहीं ना कहीं रेस्ट लेती रहती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर रेस्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी फिर रेस्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी फिर रेस्ट लेगी और उसके बाद में नीचे आएगी। तो ये जो जोन्स होते हैं ये एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जोन्स होते हैं, अगर ये नीचे आ रहा है तो उसके बाद में बोला जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का जोन था, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये बोलेंगे एक्युमुलेशन का जोन था। अभी एक और चार्ट में दिखा देता हूं आपको डॉलर के टर्म में सेंसेक्स की क्या वैल्यू है। तो डोलेक्स करके एक चार्ट है, ये जो डोलेक्स 30 है वो सेंसेक्स 30 इन टर्म्स ऑफ डॉलर है, तो इसका मंथली चार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूं। ये है मंथली चार्ट, 2008 का टाइम है और ये 2020 का टाइम है, और आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन अगर खींचे तो जो वैल्यू 2008 में थी 2020 में भी वही वैल्यू चल रही थी, उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से। जब इतने बड़े सालों का जो ब्रेकआउट हुआ है तो क्या ये इतनी आसानी से रुकेगा, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। अभी 2008 से लेकर 2020 मतलब 12-13 साल हो गए इसको, और 12-13 साल में अगर डॉलर के टर्म में फॉरेनर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया होगा तो उनको कोई रिटर्न नहीं मिला है, तो अब जो भी इन्वेस्ट करेगा उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अभी इस तरह की रिपोर्ट पढ़ के आप अपने फंड को मत विड्रॉ कीजिए, अपने फंड को ड्रॉ नहीं कीजिए, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, अच्छे अच्छे स्टॉक को पकड़ के बैठ जाइए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।